तो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही एक अच्छा सा ट्रिप ब्लॉग। तो ये एक्चुअली मैं 13 तारीख के आसपास 12-13 को गई थी। आज तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे गए हुए, तो ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट एडिट कर रही हूँ, एडिट करूँगी। और जो दिल्ली NCR के लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल ब्लॉग हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही अच्छा वीकेंड गेटवे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना। इस टाइम पे हम कोई वीकेंड में ट्रिप प्लान करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है हमें कि कहाँ जाएँ, छोटा सा जो हमारे पास संडे और सैटरडे का टाइम होता है उसके लिए। और किड्स अगर आपके साथ है तो ये बहुत ही किड्स फ्रेंडली एक रिज़ॉर्ट है। आपको मैं पूरा टूर दूंगी उस रिज़ॉर्ट का, तो चलो मेरे साथ। और मैं रूम टूर नहीं, पूरा रिज़ॉर्ट का आपको टूर कराने वाली हूँ आज। और जैसे हमने मस्ती किया, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉपर मेरा एक एनिवर्सरी ट्रिप ब्लॉग हो सकता है आपके लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो दिल्ली NCR वाले हैं वो लोग मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस तरीके का जो वीडियो है वो आपको हमेशा मेरे चैनल पर देखने को मिल सकता है। तो चलो निकलते हैं वीकेंड के लिए, लेट्स गो। तो बस हमारी सवारी निकल गई है, और जो पहाड़ी वाला रास्ता है गुड़गांव का, वहाँ से हमें जाना है। और काफ़ी आउटर में है ये गुड़गांव के, और क्या नाम है क्या है सब कुछ आपको आगे मैं बताऊंगी। अभी बस हम निकल पड़े हैं सारे लोग। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा कोई टूर में ना गाड़ी में ही मज़ा आता है, पर हाँ पुल्लू काफ़ी तंग कर देता है गाड़ी में, उससे ज़्यादा देर बैठना पसंद नहीं है। तो बस हम निकल गए हैं, और बस अब ऐसा लग रहा है ना जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे पिक्स, वीडियो, बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ के फ़ोटोज़ उसमें डले हुए थे। तो ऐसा लग रहा है बस अब जल्दी आ जाए। आप देख रहे हो किस तरीके का रास्ता है वहाँ जाने का, कुछ ऐसा रास्ता से होके हमें वहाँ जाना पड़ रहा है। पहन लो बेटा, हाँ। तो कुछ ऐसे रास्तों से होके हमें जाना है उस रिज़ॉर्ट में। तो बस चलो चलते हैं, आप भी रास्ते का मज़ा लो, और मैं तो अपने गाड़ी में गाना सुनते हुए सपनों में खोई हुई हूँ कैसा होगा रिज़ॉर्ट। बहुत दिनों बाद आउटिंग करने का मौका मिला है, काफ़ी टाइम हो गए, मतलब जनवरी के बाद सीधे जुलाई। तो और अब हम पहुंच चुके हैं, ये है वेस्टर्न कंट्री क्लब रिज़ॉर्ट। और देख सकते हो यहाँ पे सारे लोग अपने रूम से बाहर निकल निकल के बैठे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये उस दिन मौसम इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा मौसम किया हुआ था कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो थोड़ा सा मैं आपको अपने रूम का व्यू दे देती हूँ। ये है हमारा रूम जो काफ़ी मेस है अभी, और पुल्लू वहाँ सो रहा है, पुल्लू के डैडा सो रहे हैं। और देख सकते हो आप यहाँ पे एक टेबल हमें दिया गया है, सामने टीवी है, और पुल्लू मस्ती कर रहा है अपने डैडा के साथ। तो रूम काफ़ी छोटा ही था, बहुत बड़ा नहीं था, पर ओके ओके था। तो किड्स के लिए यहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ है, आप देख सकते हो पुल्लू को बहुत इंजॉय कर रहा है वो, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, बहुत एक्टिविटीज़ है किड्स के लिए। तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा किड्स फ्रेंडली रिजॉर्ट है, बहुत मज़ा आया। तो अब देखो पुल्लू को यहाँ रेन डांस कर रहा है वो, क्रिकेट खेल रहा है। तो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि उसने सबसे ज़्यादा मज़ा किया है। तो यहाँ हम भी मस्ती में लगे हुए हैं, और ये हम तीनों लोग हैं, मैं हूँ, शालिनी है और विभा मैम हैं। तो हम तीनों यहाँ मस्ती कर रहे हैं। और ये यहाँ पे जो ये सिटिंग एरिया था ना, बड़ा सा एक झूला, वो बहुत अच्छा था, और बस जस्ट मेरे रूम के सामने ही हैंग किया हुआ था। हमने खूब मस्ती करा यहाँ पे, खूब मस्ती करा, जितना हो सके इन्जॉय करा, क्योंकि ज़्यादा हम टाइम नहीं था, सिर्फ 2 दिन का हमारा ट्रिप था। तो चलो थोड़ा सा आपको और घुमाते हैं वेस्टर्न कंट्री क्लब। तो ये इनका बड़ा सा पार्क एरिया है, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है ना, और बहुत बड़े एरिए में बना हुआ है, बहुत सारे रूम बहुत दूर दूर से थे। और ये पुल्लू, पुल्लू के डैडा, अंकल, सारे लोग टहलते हुए आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो मौसम इतना अच्छा है, और
व्यू बहुत अच्छा है, खूब सारी हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई, वीडियो बनाया और बस तो आप देखो और मज़े लो व्यू। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई एक्चुअली, ऐसा हो जाता है ना कि आदमी भूल जाता है, इतने सारे लोगों के साथ मस्ती में के मूड में होता है, तो मैं भूल जाती थी कि मुझे ब्लॉग करना है या फिर कैमरा उठा के शूट करना है, तो मैं हमेशा भूल जाती थी। थोड़ा बहुत जो मैंने शूट किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पुल्लू तो बस मज़े इसने ही किए हैं पूरे ट्रिप में, जो सबसे ज़्यादा मस्ती किया है वो इसने किया है, और हम तो बस ये है शालिनी जो पुल्लू के पीछे पीछे घूम रही है। हम सब ने खूब मस्ती किया। तो ये रास्ता जाता है हमारे रूम के तरफ, और ये मैंने शूट किया था जब हम ब्रेकफास्ट करके लौट रहे थे तब। और एक और बहुत अच्छा सा व्यू है इनका, ये चलो देखते हैं। ये देखो ये छोटा सा तालाब और काफ़ी सारे डक थे उसमें। मेरा वीडियोज़ के लिए भी तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे इनका, पूरा जो एम्बियंस है ना वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। यहाँ से एक पूल बना हुआ था, काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू थे देखने को, फ़ोटो क्लिक करने का बहुत अच्छे अच्छे व्यू है पूरे रिजॉर्ट में। तो यहाँ मैं कुछ फ़ोटो सेशन करवाते हुए आप देख सकते हो कितना प्यारे प्यारे व्यू है यहाँ पे। चलो भाई कुछ खाना पीना भी हो जाए। तो ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है, और सच बताऊँ ना तो मतलब इतना अच्छा उनका ब्रेकफास्ट, मैंने फुल वो लिया हुआ था ब्रेकफास्ट का, डिनर का और लंच का सब इंक्लूड था, क्योंकि दूर दूर तक और कहीं जाने का हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था। और अच्छा भी किया था हमने, क्योंकि ये सिटी से थोड़ा दूर था, यहाँ पे सारा लोग, आई थिंक लंच टाइम का ये वीडियो है, बहुत सारे लोग हैं आप देख सकते हो, और फुल था मतलब पूरा रिजॉर्ट फुल था इस टाइम पे भी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस तरीके का ब्लॉग और आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और इस तरीके का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी जब भी हमारा दिल्ली NCR में कहीं भी घूमना फिरना या फिर ट्रिप पे जाना होगा, तो मैं आप लोगों के साथ वो ब्लॉग शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को आसान हो जाए अपना ट्रिप प्लान करने में। और अगर आप लोग रिज़ॉर्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो, मतलब हमें कितना एक्सपेंस पड़ा, रूम का कितना खर्चा, ओवरऑल मतलब टोटल कितने खर्चे हुए, हम तीन फैमिली गए थे, तो ये सब आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टा पे मुझे पूछ सकते हो। और अगर आप ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे तो मैं अलग से सारा इसका एक अलग से वीडियो कर लूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, बाय बाय एंड टेक केयर।